सो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं बना जा रहा हूँ ये ड्राइंग। अगर आप लोग ये ड्राइंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं वीडियो को मिनट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पेंसिल से पहले स्केच को बना लिया है और मैं उसके बाद में मैं स्केच से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ आउटलाइन को। और आप लोग को आराम से और इसे धीरे धीरे करना पड़ेगा होगा, और मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ वैसे आप लोग करते रहेंगे। और मैंने यहाँ पर ब्लैक स्केच को लिया है, जो नॉर्मली स्केच होते हैं वही। अब यहाँ पर मैं कलर करने जा रहा हूँ, और येलो कलर से अब मैं मुकुट को करूँगा, ताकि मैंने गोल्डन बेस में मिक्स किया हुआ है और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अब हाथ में कुछ पता नहीं क्या लिया हुआ है, उसे मैं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना होगा, तो मेरी तरह आप बना सकते हैं इजीली। आप लोग को पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा मुझे बनाने में। इसको बनाने में करीब मुझे 4 आवर्स लगे हुए हैं, तो आप लोग को इसे पेशेंस के साथ बनाना होगा। और मैं अब फेस को कलर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ही किया हुआ है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। मैं यहाँ पर वॉइस अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर की वॉइस नॉइज हो जा रही थी, इसलिए मैं अपनी बाद में वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रश सिंपल ही लिया है, जो गोल वाला ब्रश होता है, तो मैं इसे लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ। आज हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने मुझे काफ़ी मेहनत लगी हुई है। कर दीजिए लाइक भाई, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, आप लोग को भी एक लेयर बाय लेयर करना होगा तो ज़्यादा सही बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है अब तक तो, और मैं आगे भी ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। आप लोग को पत्ते ब्रश ही यूज करना है, ज़्यादा बड़ा ब्रश नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी डिटेलिंग करनी होती है। क्लॉथ को ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, और अब तक तो कुछ इतना हो पाया है, तो करते रहते हैं ऐसे। व्हाइट और मैंने बैंगली कलर यूज किया हुआ है।
गाइज अगर मेरे माइक से आवाज़ सही नहीं आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है, काफ़ी पुराना माइक है इसीलिए, और लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिएगा ही, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या बनाना है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा फिगर बन चुका है, अब यहाँ पर टैब उखाड़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा बना हुआ है। फाइनली मेरा कुछ इस प्रकार से बन चुका है जो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।